नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबके रेफरेंस में। गाइज, आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ टीवी कास्टिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टीवी कास्टिंग दो तीन तरीकों से की जा सकती है। एक तो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स से रहता है और एक एंड्रॉयड टीवी, ये दोनों चीज़ होते हैं। या तो कहीं इनमें से दो एक दो में से एक चीज़ होते हैं, तो आप सभी अपने मोबाइल में कास्टिंग आसानी से कर सकते हो। बट दोस्तों, इनकी सभी के प्राइस जो है वो हाई रहती है। अगर देखा जाए स्मार्ट टीवी की, स्मार्ट टीवी की जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ऐसे में यहाँ पर नॉर्मल लोगों के लिए यहाँ पर स्मार्ट टीवी नहीं है। फिलहाल तो मेरे पास स्मार्ट टीवी है, बट मैं आज ऐसे एक तरीके से आपको बताने वाला हूँ जिससे आप टीवी भी, डीडी फ्रीडिश के चैनल्स को भी आप फ्री ट्यूबर बेसिक के आधार पर चैनल्स देखना पसंद करते हो वो भी देख सकोगे। साथ ही में आप अपने बॉक्स को जो है मोबाइल को अपने टीवी में कास्ट करके कोई भी जो टीवी है, कोई फिल्म है, कोई रील्स है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको पूरे संपूर्ण में बताने वाला हूँ। आखिर में जो प्रोसेस है वो कैसा है और आपको किस तरीके से सब प्रक्रिया करनी होगी। और साथ ही में जो बॉक्स है वो काफ़ी सस्ते दाम में आपको मिलेगा, लगभग 1100-1200 के रुपये में आपको बॉक्स मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको कोई बिना के रिचार्ज के आपको सभी डीडी फ्रीडिश के चैनल्स देखने को मिलने वाले हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो पूरी जानकारी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पता पड़ने वाली है कैसे मैं पूरा प्रोसेस जो है करूँगा और कैसे मैं जो अपने मोबाइल का जो चैनल्स यानी कि जो भी मोबाइल की गैलरी है, यूट्यूब है, किस तरीके से मैं अपने टीवी में कास्ट करूँगा वो भी मैं दिखाऊँगा बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो बॉक्स है वो कैडविजन का बॉक्स है और काफ़ी बेहतरीन है और इसमें वाईफाई इनबिल्ड मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई की ज़रूरत रहती है। चलिए, तो मैं यहाँ पर पूरा संपूर्ण जानकारी मैं आपको टेलीविज़न की ओर लिए चलता हूँ। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आखिर से जो प्रक्रिया वो कैसे की जाती है। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब इस पर आ चुके हैं, पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, मेरा जो कैडविजन का बॉक्स है वो फाइनली यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं कैडविजन का जो बॉक्स है उसको ओपन करता हूँ तो इसको सबसे पहले मैं म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसके जो मैं वॉल्यूम है उसको मैंने म्यूट कर लिया है पूरी तरीके से। वॉल्यूम म्यूट करने के बाद से कुछ इस तरीके से इसका जो बॉक्स रहता है हमारा जो कैडविजन का है पूरी इसकी अनबॉक्सिंग अगर आपको देख रहा है लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप इस बॉक्स की पूरी अनबॉक्सिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर आपको सभी करना क्या होगा, आप सभी को अपने बॉक्स जो है मेनू बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही मेनू बटन प्रेस करें काफ़ी सारे जो फंक्शंस जो हैं प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी एक प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना होगा। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी जाएंगे नेटवर्क वाले ऑप्शन पर। नेटवर्क वाले ऑप्शन पर जाने से पहले यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वाईफाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा वाईफाई लिंक का ऑप्शन, जहाँ पे आप सभी को अपना जो वाईफाई है उसको इंटरनेट को कर लेना होगा कनेक्ट। जैसे ही आप कनेक्ट कर लोगे आप सभी देख पा रहे होंगे कि मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है मेरे जियो फाइबर से, ठीक है। जो मेरा जियो फाइव है उससे कनेक्टेड है सक्सेसफुली। तो अभी चलिए इसको करते क्या है, एक बार इसको करते हैं बैक। बैक करने के बाद से हम यहाँ पर चलते हैं, उसके नीचे ही आपको DLNA का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। सिंपल इस पर करना क्या होगा, ओके। जैसा कि अभी मैं मेनू बटन अपने बटन से ओके प्रेस करूंगा कुछ यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखने को मिलेगा द, यहाँ पर आप पढ़िए सबसे पहले द थर्ड पार्टी ऑनलाइन वीडियोस ऐप विच सपोर्टेड DLNA और व्हेन यू ओपन द ऐप फॉलोइंग DLNA आइकॉन। उसके बाद से फिर से नीचे लिखा हुआ द ऐप विच सपोर्टेड लोकल DLNA ट्यूबो ट्यूब टीवी असिस्ट एंड वीडियो कास्ट एड प्लेयर्स लाइट्स प्लेयर एंड एक्सट्रीम्स, ओके। ये सभी चीज़ें हैं। तो चलिए कैसे इसको करना क्या होगा, आप सभी सबसे पहले जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। अभी यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर मैं उपलब्ध हूँ, यहाँ पर जाना होगा ट्यूबो एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड करने होगा, जो ट्यूबो एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल ओपन करते हैं। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन का जो भी सारा कुछ डिटेल्स है इसको मैं कर लेता हूँ परमिशन को अलाउ। जैसे अलाउ करेंगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस को समझाया जाए किस तरीके से आपको चालू करना है। यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर साइड 3 डॉट मिलेगा, इसमें आपको क्या क्या इसमें करना है, साउंड म्यूजिक एंड आपको अपना मोबाइल जो भी है सब कुछ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आप सभी देखने को मिलेगा शेयर द ऐप, अगर आप शेयर ऐप करना चाहते हो तो यहाँ पर शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड एक प्लस TBS का ऑप्शन दिखेगा सर्चिंग फॉर द TV, ठीक है, इसको आपको टैप कर देना होगा। उसके बाद से यहाँ पर आप सभी जो है ये एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है सर्च करने लगेगा। तो आप सभी को अपने बॉक्स में भी आपको अपने ओके बटन को प्रेस करना होगा। जैसे अपने बॉक्स में ओके बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो बॉक्स है वो आपका सर्चिंग हो चुका है, सर्चिंग होगा। आपको अपने मोबाइल से भी वही इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा जो भी आप सभी अभी यूज कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप सभी अपना टेलीविज़न को जो है आप कनेक्ट कर रखे हो वही इंटरनेट से यहाँ पर भी आपको कनेक्ट करना होगा।
तो मैंने वाईफाई जो है मैं अपना ऑन कर दिया हूँ। वाईफाई ऑन करने के बाद से चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ सेम इंटरनेट से यहाँ पर भी, ठीक है। पी यहाँ पर देख सकते हो मैं अपना सेम इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर लिया हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा आपका जो वन प्लस टीवी है, मेरी जो वन प्लस की टीवी है वो भी आ चुका है, और सेट टॉप बॉक्स जो STB03C जो बॉक्स है वो आ चुका है, ठीक है। जिसको मैं कनेक्टेड पे टैप कर दूंगा, जैसे कनेक्टेड पे टैप कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा ट्यूब जो आप एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से आइकॉन जो है वो शो होने लगेगी। तो यहाँ पर आप सभी को जो भी अपने यूज करना है, जैसे कि मान चले मैं यूट्यूब को प्रेस करता हूँ, ओपन करता हूँ, जैसे यूट्यूब को मैंने ओपन किया कुछ ही सेकंड में आप सभी को जो टीवी में भी यही सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सर्च करता हूँ और मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को सर्च कर लिया हूँ, और जैसे ही सर्च किया और यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल जो है आ चुका है। कोई भी मैं एक वीडियो को प्ले करता हूँ, वीडियो प्ले करने के बाद से कुछ ही टाइम आप सभी को वेट होगा, यहाँ पर आप सभी देखने को मिल जाएगा कुछ ही मिनट में आप सभी को अपना जो आपका बॉक्स है वो यहाँ पर बफरिंग होगा, और इंस्टेंट यहाँ पर जो भी आप देखेंगे आपका टीवी में वही चीज़ कास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर से रोक भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर रोक दिया मैंने, रुक गया और फिर से स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। ये देखिए एक बार मैं आपको फिर से ट्यूटोरियल समझा देता हूँ, ये देखिए रोका और मैंने रोक दिया और चल गया उसी तरीके से। और जो बॉक्स रहता है इस बॉक्स की ही वीडियो है, मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा एक्स्ट्रा चला दिया और बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार इसको बैक करता हूँ अपने मोबाइल से, दूसरी वीडियो में जो है उसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसमें काफ़ी सारे अच्छे जो फीचर्स है ये आप यूज़ करके यहाँ पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन के ज़रिए, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहती है जिसके थ्रू आप सभी देखिए, मैं अपने मोबाइल को बंद कर दिया हूँ तब पर भी वो वीडियो जो है वहाँ पर प्ले हो रखी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप सभी कर सकते हो, आप अपने कोई भी टीवी से यानी कोई भी मोबाइल से आप अपने टेलीविज़न में आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के फेस किए हुए। तो ऐसे आप इस प्रक्रिया से जो है DLNA के थ्रू यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं, जिससे आप सभी को जो भी चैनल से वो आप सब यहाँ पर आसानी से देख सकोगे, यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम है मनपसंद उसको टेलीविज़न के थ्रू देख सकते हो। कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चलिए मुलाकात होती है हमारी आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।